हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लेट्स कंटिन्यू विद एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व की बात करते हैं, उसमें अभी मैं एक नया पार्ट है, दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक कर्व। गिवन हो तो कैसे फाइंड करते हैं। पैरामेट्रिक कर्व का मतलब आपको पता है, एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 280, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू बी साइन थीटा, x equals to a sec theta, y equal to b tan theta, ellipse, parabola, hyperbola, so many curves we know. Suppose आपको बोला x power 2 by 3 plus y power 2 by 3 equal to a power 2 by 3. You have to find area of this curve. अब ये curve का parametric equation क्या है, curve कैसा है, ये सब कुछ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मैंने कराया हुआ है कि कोई भी फंक्शन का पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे हम पता कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू, इन दिस केस एक्स विल बी ए कॉस क्यूब थीटा एंड वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। आइडिया होता है ए कॉस पार टू अपॉन एन, वाई इक्वल टू ए साइन पार टू अपॉन एन, वेयर दिस इज एन, टू बाई थ्री, 2 upon 2 by 3 is 3. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। लेट मी राइट इट फॉर यू, x पार n प्लस y पार n इक्वल टू a पार n का पैरामेट्रिक पॉइंट a cos पार 2 by n थीटा a sin पार 2 by n थीटा। ग्राफ भी आपको बताया हुआ है कि x पार n प्लस y पार n का ग्राफ लगभग ऐसा होता है जब n का वैल्यू 1 हो, समथिंग लाइक दिस व्हेन n ग्रेटर देन 1 एंड समथिंग लाइक दिस व्हेन n लेस देन 1। अब उसके बाद अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द पार। लाइक इन दिस केस इफ आई टेल यू पार 1 से कम है तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। ना पार 2 बाय 3 है, मतलब एक तरीके से x स्क्वायर और y स्क्वायर है, मतलब x एक्सिस के भी सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस के भी सिमेट्रिक होगा, सो दिस वुड बी द एरिया, दिस वुड बी द ग्राफ। अब एरिया अगर फाइंड करना है तो आई कैन से कि भाई इसका 4 टाइम्स कर लेने का, तो इसका 4 टाइम्स करेंगे एंड वी गेट द आंसर। कैसे, the area will be 4 times integration 0 से, this point is a, देखो y को 0 करोगे तो x का वैल्यू a आएगा, तो 0 to a, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है a पार 2 by 3 minus x पार 2 by 3 का पार 3 by 2 dx and that is your area, but that is not important here। ये कैसे calculate करेंगे, क्या करेंगे, वो सब अलग story है। आपको करना है तो x की जगह a cos cube theta put करके solve कर सकते हैं। But suppose we are given the parametric equation only, like x equal to phi t and y equal to psi t, तो फिर क्या करेंगे, story is exactly same। Normal जो area होता है वो integration of y dx होता है, standard case में, बिल्कुल standard case। So what is y? Y in this case is basically psi t, और dx क्या हो जाएगा, phi dash t dt, खत्म। But not looking very pretty to you maybe, so what we are going to use, same concept, the area in this case will be integration of y dx 0 to a, integration of y dx 0 to a का 4 टाइम्स। नाउ व्हाट इज y, y हमने देखा है a sin क्यूब थीटा है, और dx क्या हो जाएगा, d ऑफ a cos क्यूब थीटा। अब जब थीटा में कन्वर्ट कर दिया तो हमें वेरिएबल थीटा है तो लिमिट भी थीटा में रखना पड़ेगा, एंड वी नो दैट कि नाउ इट विल बी 0 टू पाई बाय 2 ओनली, पाई बाय 2 के आगे तो रिपीट हो जाएगा, सो दिस गिव्स मी 4 a sin क्यूब थीटा, d ऑफ दिस विल बी a कांस्टेंट बाहर आ गया, cos क्यूब का डेरिवेटिव 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा d थीटा, that gives me 12 a square
साइन पार फोर थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा का नेगेटिव दिस। कोस का डेरिवेटिव निकालते तो माइनस साइन आता है ना, वो है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद गामा फंक्शन लगा सकते हैं। दोनों का पार इवन है तो किसी को टी मानने से काम नहीं चलेगा, डिग्री रिड्यूस कर सकते हैं। बट वी नो दैट कि गामा फंक्शन इज योर बेस्ट चांस, सो लेट मी राइट दिस। इंटीग्रेशन ऑफ साइन पार फोर कोस स्क्वायर डी थीटा जीरो टू पाई बाय टू इज गामा फोर प्लस वन बाय टू गामा टू प्लस वन बाय टू अपॉन टू गामा, इन दोनों का सम एट बाय टू। फाइव बाय टू का गामा कैसे कैलकुलेट करते हैं, माइनस वन से स्टार्ट करते हैं, तो फाइव बाय टू माइनस वन इज थ्री बाय टू, वन बाय टू, वन बाय टू आया तो रूट पाई, थ्री बाय टू है तो वन बाय टू से स्टार्ट करेंगे, वन बाय टू आया तो रूट पाई, एट बाय टू फोर है माइनस वन से स्टार्ट करेंगे तो थ्री टू वन, वन आया ऑल गुड। टू ये थ्री थ्री कैंसिल हो गया, पाई एंड पाई का रूट इज पाई, नीचे वन टू थ्री फोर फाइव मतलब थर्टी टू, तो डेफिनेट का वैल्यू पाई बाय थर्टी टू है, तो अपना एरिया क्या मिल जाएगा इनटू 12 ए स्क्वायर। नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब है नहीं, क्योंकि अपना एरिया एक्चुअली में उसका मॉड होता है, तो आई कैन से कि पॉजिटिव एंड दिस गिव्स मी 12 ए स्क्वायर इनटू पाई बाय 32। सो दिस इज हाउ वी फाइंड एरिया इफ पैरामेट्रिक कर्व इज गिवन। पैरामेट्रिक कर्व गिवन है तो इस तरीके से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। है सब कुछ सेम, ये नया कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल y dx लिखने का, y की जगह y का वैल्यू, x की जगह x का वैल्यू, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। थैंक यू।